जयपुर के आराध्य थे श्री श्री राधा गोविंद देव जी के कमल चरणों में इस शब्दों की माला सर्वप्रथम मैं समर्पित करता हूँ कि फूल माला जप माला और यहाँ कंठी माला सबसे सर्वश्रेष्ठ नंद का लाला है फूल माला जप माला और यहाँ कंठी माला सबसे सर्वश्रेष्ठ नंद का लाला है नवनीत कस्कर है नंद खट बालक है मोहिनी रूप और ब्रज का वाला है मेरे रोम रोम में अब तो समा गया है श्याम रसी तो एक प्रेम का प्याला है तन मन धन और जीवन की डोर का कली शंकर उपनिषद में बताया गया है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडशकम् नाम नाम कली कर्म सनाशनम् नाथ परोपकाय सर्वविदेशी दर्शते जो भगवान का नाम है कली कलमस नाशनम हमारे जीवन में जितनी भी टेंशन डिप्रेशन एंजाइटी होती है उनका नाश कर देता है ना तो परत उपाय सर्व विदेश दृश्यते इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है तो उसको काव्य में कैसे हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि कृष्ण नाम घर तूने कंठ पर धर लिया आनंद ही आनंद जीवन में आएगा सुबह से शाम घर लिया तूने कृष्ण नाम दुख का दमन तो दूर हट जाएगा कृष्ण से लगा ले डोर कृष्ण की पकड़ चोर चमू खुशियों का मंजर तू पाएगा तन मन धन और जीवन हो कृष्ण नाम तो अंधकाल कृष्ण के धाम को तू जाएगा अंधकाल कृष्ण के धाम को तू जाएगा आप लोग तालियां भी बजा सकते हैं जिस प्लेट में स्वीट ना हो उसे थाली नहीं कहते इस पटर पटर की आवाज को ताली नहीं कहते भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है भगवान के नाम में इतनी शक्ति है हिरण्यकश्यप जिन्होंने तीनों लोगों को जीत लिया वो 5 वर्ष के छोटे से बालक प्रहलाद से नहीं जीत पाए कि त्रिलोक जीत कर बालक से हार गया हर पल भक्त को बचाते नरसिंह देव त्रिलोक जीत कर बालक से हार गया हर पल भक्त को बचाते नरसिंह देव त्रिलोक जीत कर बालक से हार गया हर पल भक्त को बचाते नरसिंह देव भूल कर भूल से भी भूल नहीं भगवान मारे हर भक्त हर जाते नरसिंह देव भक्त की पुकार में शक्ति जो अपार है कि कम से भी निकल के आते नरसिंह देव भक्ति की पुकार में शक्ति जो अपार है कि कम से निकल के आते नरसिंह देव पुत्र भक्त होना कोई मामूली सी बात नहीं चौदह चौदह पीढ़ियों को पार जाते नरसिंह देव आप लोग फिर से तालियां बजा सकते हैं एक छोटी सी प्रस्तुति में आपको काफी पंक्तियां सुनाता हूं हमारे समाज में जो भ्रांतियां हैं भगवान के अर्च विग्रह को लेकर भगवान की मूर्ति को लेकर मिटाने का प्रयास करेंगे कि आइए अर्च विग्रह सेवन को लेकर की जाए कुछ चर्चा और लोगों के मन में भ्रांति कि पत्थर को सजाने में क्यों इतना खर्चा अर्च विग्रह तो स्वयं भगवान यह है शास्त्रों में उल्लेख खुद के मन की छोर शास्त्रों की आंखों से देख कि भगवान के लिए भगवान की भावना और अगर भगवान के लिए पत्थर की भावना तो आपके लिए पत्थर है और भगवान के लिए भगवान की भावना तो आपके लिए दर्पण है और भक्ति की और भावना तो भगवान दिखाते हैं कई कमाल तभी तो वृंदावन से चलकर उड़ीसा पहुंच गए साक्षी बहुत सुंदर बहुत सुंदर विग्रह स्वयं चलते वृंदावन से उड़ीसा ये पहली भ्रांति भगवान तो सभी जगह दूसरी भ्रांति भगवान तो सभी जगह फिर मंदिर ही क्यों जाना है हर पत्थर में भगवान तो मंदिर ही क्यों ठिकाना है क्या है जिस प्रकार डाक हेतु हर डिब्बा नहीं बल्कि प्रामाणिक डिब्बे पर होती है निष्ठा प्रामाणिक भगवान मंदिर में क्योंकि हुई है वहां पर प्राण प्रतिष्ठा तो शास्त्रों के अनुसार करें भगवान की पूजा हरिनाम जप भी है भगवान की सेवा करने का तरीका दूजा तो भगवान को मंदिर में भोग चढ़ाते तो वो क्यों नहीं खाते एक और भगवान को मंदिर में भोग चढ़ाते तो वो क्यों नहीं खाते भगवान खाते लेकिन हम समझ नहीं पाते भगवान
भगवान खाते लेकिन हम समझ नहीं पाते भगवान पूरा भोग खाके छोड़ देते हैं पूरा का पूरा सच तो यह है कि अर्च विग्रह सेवन का ज्ञान है हमें अधूरा तो निवेदन यही अर्च विग्रह सेवन और हरि नाम को लेकर मिटाने सभी भ्रांति आइए मिलकर संपूर्ण जगत में ला रहे सनातन संस्कृति की क्रांति और इस क्रांति को लेकर आए जैसा कि संजय जी ने बताया श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो कि 70 वर्ष की आयु में मात्र 40 रुपए अपने हाथ में लेकर भारत से अमेरिका गए और पूरे 10 साल के अंदर पूरे विश्व में उन्होंने 108 सांस्कृतिक सनातन संस्कृति के केंद्रों की स्थापना क्या परिस्थितियां थी कि चैतन्य के दूत जब बैठ गए जल दूत अगस्त 12-65 को चल दिया जल्यान आयु 70 वर्ष की है बेला पर हर्ष की है गुरु के चरणों में युक्त है पूरा ध्यान और भक्ति के अंशुमान चले जाए भले जान साथ में है आपके स्वयं कृष्ण भगवान और 40 टकाए साथ चंद पुस्तक है हाथ चल पड़े दुनिया को बांटने को दिव्य ज्ञान चल पड़े दुनिया को बांटने को दिव्य ज्ञान तो अंत में आप सभी से मैं आह्वान करता हूँ इस भगवत ज्ञान को समझें भगवत गीता यथारूप का अध्ययन करें अपनी संस्कृति को पहचानें नहीं तो बहुत हम निम्न चले जाएंगे कि कितनी बनावटी हो गई है ये आधुनिक जीवन शैली और लोगों की भावनाएं हो गई है एक दूसरे के प्रति बहुत मैली और जानवरों से भी बदतर हो जाएगी आधुनिक सभ्यता अगर सनातन संस्कृति की गूंज घर घर नहीं फैली हमें समझना है हम आत्मा है देहिनो सी यता देहे कौम आरभ वनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस कृत्रनम सही है अस्ति और भव सागर को पार करने की टिकट नहीं है सस्ती आपको शरण लेनी होगी एक कुशल कप्तान की फिर क्या है टिकट भी सस्ती पार हो जाएगी कश्ती साथ में मस्ती है आपसे आह्वान करता हूं सबसे निवेदन करता हूं किन भौतिक विसंगतियों से कैसे बचा जाए हर किसी के बस की बात नहीं जो इसको बचा जाए आइए मिलकर क्यों ना सनातन संस्कृति का प्रचार करके इतिहास रचा जाए क्या बात क्या सबका के साथ भगवान को प्राप्त होता हूँ हरे कृष्ण